इसके ऊपर पूरे ये पानी में डूब जाएगा तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो आप देखोगे आपको हिंदी भी आती है क्या? नहीं, वो थोड़ा थोड़ा बोल लेती हूँ, ज्यादा। तो गाइज, दूसरे दिन की स्टार्ट हो चुकी है स्टार्टिंग, और देखो स्टार्टिंग कैसे हुई है। हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। और देखो गाइज, गुड मॉर्निंग गाइज, नहीं होता क्या? चलो कोई नहीं। तो गाइज देखो, कुछ लोग अभी भी पड़े हुए हैं और हम लोग तैयार हो गए हैं। लड़कियां तैयार हो गई है, लड़के ऐसे ही पड़े हुए हैं। We are on holiday. Yes. सुबह सुमन लग रहा। तो गाइज इस बंदे को ध्यान से देखो, ये सर्दियों के कपड़े ही नहीं लेके आया, जबकि ये दो बार ऑलरेडी क्वींसटाउन आ चुका है। हाँ। और हमें बोल रहा कि सर्दी होगी। तभी तो शॉपिंग होगी ना, शॉपिंग कैसे होती? इसके पास इतने सर्दियों के कपड़े हैं, नेक्स्ट लेवल, सिर्फ सर्दियों के ही कपड़े हैं गुल्लू पे इंजाम। हाँ यार, छा और देखो रेडी हो गई है लड़की, इतनी महंगी ये भी वानक का जाने। हाँ ये अच्छा है। अरे भाई सेक्सी, सबके डिफरेंट डिफरेंट कलर। सारी घर पे रहेगी जैसा हमें मिला था वैसा ही हम छोड़ के जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देशियों का नाम अच्छा रहे। तो देखो गाइज ये व्यू है, और यहाँ पे वो है, क्या बोलते हैं, चिकन खरगोश वगैरह। तो वही निकल लिए हैं क्वींस टाउन के लिए। आप बैठेंगे अपनी गाड़ी में, सामान वामान रखेंगे। ओ भाई साहब, चलो चलो जल्दी करो गाइस। अरे ये कौन सी कंट्री से आ गई, दिखाना मैडम जी आपके बाल। आपको हिंदी भी आती है क्या? नहीं, वो थोड़ा थोड़ा बोल लेती हूँ, ज्यादा नहीं आती। अच्छा, मैं पानी भर के ला रही हूँ, वेट कर लेना। नहीं नहीं, छोड़ के जाएंगे हम, बस पकड़ के आना। तो गाइज कल फोटो अच्छी नहीं आई थी यहाँ पे, अब हम सिर्फ फोटो लेने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। देखो व्यू, ये लड़की ने फोटो के लिए जैकेट निकाली, अब इसको ठंडी लग रही है। वो देख, देखो वो है, वो तो गाइस चलो चर्च के अंदर से दिखाते हैं, वैसे तो खुली नहीं है बट इधर उधर से कोशिश करेंगे देखने की। क्या कर रही हो गर्ल्स? हाँ ओके, लेट मी सी। ओके, तो ये है चर्च का अंदर का, और अगर आप अंदर से देखोगे तो ऑब्वियसली बाहर पूरा व्यू दिखेगा, है ना? वहाँ पे हो रही बाइबल।
एंजल आ गई, चश्मे वाली एंजल। थोड़े दिन हम थोड़ी देर में दक्षिणा मांगेगा एंजल टूरिस्ट बजरंगबली। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं गाइस? वानिका लेक। हाँ सुन लिया होगा, हम जा रहे हैं वानिका लेक। का यहाँ पे हम करेंगे पेट पूजा, फिर हम करेंगे काम दूजा। तो दूजा काम ये है कि अब केडी बोलेगा कुछ। तो ये सब तक हम अपना व्लॉग बनाते हैं। तो गाइस रेस्टोरेंट बंद मिला, अब बताओ क्या है आगे का प्लान? तो इतनी दूर आए थे स्पेशली कि बालकनी में बैठ के खाना वाना खाएंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि प्रीतिरा से बहुत फोटो और ब्लॉगिंग कर रही थी तो हम लेट हो गए थोड़ा सा, बट हम खाना जरूर खाएंगे कहीं ना कहीं बैठ कर। हाँ तो गाइस हम गए थे बंद मिला, इसके चैनल पे देख लेना क्या हुआ हमारे। तो गाइस हमें यहाँ कुछ नहीं मिला खाने के लिए, सब बंद हो चुका है, तो अब हम खाएंगे सबवे। और हमारा सामने का व्यू दिखाते हैं हम आपको। हमने लिया है सबवे और हमें मिला है फाइनली सुबह से, अब हम कुछ खा रहे हैं यहाँ बैठ के। हाँ और ये देखो हमें किसने ज्वाइन किया, देने के लिए आइए देखो। हेलो यानु का है, मैं ना हूँ कुछ खाने को। हाँ हेलो
पहले हम तो खा ले फिर ही तो देंगे ना तेरे को है नाक भी दोबारा। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं एक बहुत ही फेमस जगह पे। तो गाइज हम लेक वनाका में हैं और यहाँ पे ये ट्री है। ऐसा बोला जाता है कि जब इसके ऊपर पूरे पानी में डूब जाएगा तो पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो अब देखो ये यहाँ तक पहुँचा है, आगे देखते हैं कि कब दुनिया ख़त्म होगी। तो हम तो देखने के लिए आ गए। तो गाइज ये हम एक जगह पे आए हैं, ये बहुत सारी ब्रास टंगी हुई है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड है, द न्यूजीलैंड ब्रेस्ट कैंसर फाउंडेशन। डोनेशन के लिए भी है ये डोनेशन। क्या क्या हुआ गेडी, ऐसे क्यों चला रहा है तू यार? इतनी देर हो गई है, उधर से धूप आ रही है बहुत तगड़ी, तो कंधा गर्म हो गया, एक साइड की छाती कंधा पूरा गर्म हो गया है। तो नहीं। मैं वो इंडिया में नहीं ओवर बिठा के सवारी वाले ऐसे चलाते हैं। हाँ, वो उधर बिठाते हैं और एक इधर, पर हम इधर झुक जाएंगे, उधर सवारी बिठा लेंगे ऑटो वाले, एक साइड बिठा। यार बहुत गर्म हो गया, आधा एक घंटा हो गया गर्म होते होते। व्हाट नाउ गुल्लू, बी केयरफुल। अब मैं इधर इसी के सामने थोड़ा घंटा हो रहा हूँ, उधर इसने धूप को बिठा रखा है। गाइस, इसने जो कुछ बोला वो इसका भ्रम था, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। पता गुल्लू क्या हुआ था? क्या हुआ था आशी? यार इन्होंने बताता हूँ, इन्होंने भाई हीट गर्म कर दी, इन्होंने हीटिंग सीट ऑन कर रखी थी पूरे रास्ते, मैं कमर और नीचे से गर्म हो रहा हूँ भाई के सूज गए, और मैं सोच रहा हूँ धूप इतनी गर्म कैसे कर सकती है मुझे, और मेरा पूरा बॉडी गर्म हुई पड़ी है कमर नीचे सब ना, इन्होंने सीट गर्म कर दी यार, बदला लिया जाएगा गाइस, बदला। मैंने कुछ नहीं किया, जिसने किया उससे लिया शामिल था। बदला तो तू क्या लेगा बदला? हो बदला हो गया, तुमने एक आइसक्रीम खाई थी उसका बदला मैंने लिया। तो ये उनकी है ये। तो गाइस ये हर दो मिनट पे फोटो खिंचवाने के लिए उतर जाते हैं। देखो गाइस ये गाड़ी रोक के यहाँ पे खड़े हुए हैं, देखो यहाँ फोटो खिंचवा रहे हैं। बता गुल्लू तू कुछ बोल रही थी? क्या तू कुछ बोल रही थी? कल से मैं बस में टूर करने वाली हूँ। ऐसा क्यों बोला? ताकि मैं 10 स्पॉट और डिस्कवर कर लूँ। अब तक क्वींसटाउन नहीं पा रहा है, पता क्या अपन को 1 बजे क्वींसटाउन पहुंचना चाहिए था। मेरी बहुत कम है। तो भाई क्वींसटाउन में एंटर कर चुके हैं। गाइस देखो आलसी लोगों की निशानी, आते ही बैग रखते ही सो गई। आपकी फ्यूचर प्लान क्या है मैम? जल्दी से जल्दी रिटायरमेंट ले लेना और यहीं पे घर लेके और फिर ये व्यू एंजॉय करना। तो ये है गाइस यहाँ से लिविंग रूम से व्यू, इसको भी खोल सकते हैं। तो गाइस अब हम जा रहे हैं चिल करने क्योंकि शाम हो गई है, शाम स्टार्ट होते ही। देख ही रहे होंगे आप कितनी तैयार होके निकली है ये, जैसे इसका शूटिंग पे जाना हो।
कहीं कोई फैन ना मिल जाए ना क्वींस टाउन में. हाँ, you know, मेरे फैन हर जगह हैं, दुनिया के कोने कोने में है. तो गाइज अभी हम जा रहे हैं बाहर थोड़ा घूमने फिरने, दोबारा से तैयार होगी क्योंकि हम ऑरेंज कपड़ों में बोर हो गए थे फोटो खिंचवा खिंचवा के. तो गाइज यहाँ पे सर्दियों में ऐसे आग जला देते हैं हर टेबल के साइड में ताकि लोगों को सर्दी ना लगे और वो आराम से खा पी सके, बैठ के आराम से चिल कर सके. और ये देखो तो गाइज अभी हम जा रहे हैं आइस बार में जहाँ का टेम्परेचर है -5 डिग्री. वो कपड़े अंदर देंगे शायद. कपड़े देंगे वो, मैंने फोटो में देखा. तो गाइज मैं बार में नहीं जा रही हूँ और मेरी वजह से ये लोग भी नहीं जा रहे क्योंकि वो बोले कि आपको अंदर आओगे तो आपको पीनी पड़ेगी और यू नो मैं तो गांधी की भगत नहीं हूँ तो मैं तो पीती नहीं हूँ. तो बार में जा रहा हूँ, हम सब का कैंसिल. गांधी की भगत नहीं है उनमें है, एक तरफ थप्पड़ मारे तो गाल आगे नहीं करती है, दूसरे के चिपकाती है. ऐसा ही होना चाहिए जुल्मी दुनिया में, तभी हमारा टिका और गुजारा होता है. तो गाइज हम सिटी विटी घूम के खाना वाना खा के अब हम जा रहे हैं वापस अपने ठिकाने पे और देख चढ़ाई दिखाते हैं. अभी ये लड़कियां अभी जोश जोश में चढ़ रही हैं क्योंकि अब ये 50 कदम ही चली हैं, थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगी इनकी हालत. ये पूछ लटक रही है गुल्लू के तो. तो गाइज अभी बज गए हैं रात के 10 और देखो उधर सनसेट हो रहा है, अभी सूरज ढंग से छिपा नहीं है. तो गाइज हम अपनी जगह पे पहुंच चुके हैं और अब हम खेलेंगे जुआ. अब हम खेलेंगे पत्ते. इसने आके अपनी जगह अपना ली है और ये है हमारा पीछे का व्यू. हाँ, लोग कुर्सी वर्सी लेके आ रहे हैं और मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ. तो गाइज हमने यहाँ पे पत्ते खेलने स्टार्ट कर दिए हैं और गेम का नाम है झमोला. झमोला जिसको हम स्टार्टिंग में झिंगा लाला बोलते थे. गुल्लू तू क्या बोल रही थी अभी केडी को? बता तू क्या बोल रही थी कि दुआ मिली. बता बता बता. मैं बोल रही थी दे दे मुझे चाय वरना ले ले मेरी हाय. आप सोच ले बीवी की हाय है उसी का नुकसान हो जाएगा. हाँ वैसे यार वैसे भी है वो तो. क्या महंगा है देखने की सात है क्या कि तीन 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 वेरी गुड.
बाय।